हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में वीवो Y28S 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 फीचर्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन का जो यूजिंग एक्सपीरियंस है और बढ़ा सकते हैं। इन 10 फीचर्स को ज़रूर यूज़ करना, इन 10 फीचर्स को ज़रूर ऑन करना दोस्तों। आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले फ्यूचर की बात करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर की बात करने के लिए ऐप मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है आपको इस फोन में। एग्री करके आना इसमें, ओपन करके एप्लीकेशन को। ओपन करके आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है टूल्स। इस टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन कूलिंग मिलता है। अगर आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा कर सकते हैं। आप कूल डाउन पर क्लिक कर देना है तो आपका स्मार्टफोन गर्म हुआ तो ये ठंडा हो जाता है। यहाँ पर जितना यहाँ पर वेट करने के लिए बोलता है, यहाँ पर आपको वेट करना है। उसके बाद आप वेट करेंगे तो उतना उसके बाद आपका स्मार्टफोन जो है वो ठंडा हो चुका होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दूसरे फ्यूचर की बात करने के लिए आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं। आप गलती से कोई भी नोटिफिकेशंस को क्लियर कर दें तो यहाँ पर वो सेव हो चुके होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको WhatsApp पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर ये खुद में काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। दूसरे यहाँ पे बात करते हैं तीसरे फ्यूचर की। आप दो एप्लीकेशंस को एक फ़ोन में एक वक्त में एक स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप थ्री फिंगर को कुछ इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। और ऊपर वाला ऐप नीचे वाला ऊपर, आप ऐसे ये भी आप कर सकते हैं। और नीचे वाला एप्लीकेशन आप थोड़ा छोटा रखना चाहे, ऊपर वाला बड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप ऊपर वाला छोटा करना चाहे, नीचे वाला बड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर स्विच भी हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो आप यहाँ पर इस 4 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। 4 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे दो एप्लीकेशन का पेयर भी बनाकर रख सकते हैं आप। यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके ऐड ऑटोमेटिकली के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, अभी यहाँ पर निकाल लिया हमने। अगली बार से वो दोनों एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर वो इस तरह से एक आइकन निकल कर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐड ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक किया ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक पेयर बनकर आएगा। अगली बार से वो दोनों एप्लीकेशन यूज़ करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों एप्लीकेशन एक साथ ओपन होंगे। आप ऐसे दो एप्लीकेशन का पेयर भी बनाकर रख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चौथे फ्यूचर की। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आई प्रोटेक्शन है, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। दोस्तों इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त यहाँ पे इसको ज़रूर ऑन करना। यहाँ पे हमने इसको ऑन किया तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे इसको ऑन करने के बाद में। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करके यूज़ करना। नहीं तो आप यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसी के रिलेटेड एक और फीचर यहाँ पे डार्क थीम मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पांचवे फ्यूचर की। इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है। यहाँ पे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज आपको मिलता है, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। और बैटरी का जो सर्कल है यहाँ पर, मतलब यहाँ जो बॉक्स दिखता है आपको, बॉक्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैक आके बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आके यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर 100% दिख रहा है परसेंटेज फिलहाल। ये जितना कम रहेगा उतनी बैटरी आपकी खराब हो रही है ऐसा माना जाएगा दोस्तों, उतनी बैटरी बैकअप भी कम देगी। जितना ये परसेंटेज कम होता जाएगा उतनी बैटरी बैकअप कम देना शुरू करेगी। इसको मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ से आप इसको ऑप्टिमाइज को इसको ऑन कर लेना, कब किस वक्त में कैसा चार्जिंग करना चाहिए। गर्म रहेगा स्मार्टफोन तो स्लो चार्ज करेगा, ठंडा रहेगा तो फास्ट चार्ज करेगा। AI अपने हिसाब से किस वक्त में कैसा चार्जिंग करना है वो अपने हिसाब से करता है, इसलिए यहाँ से इसको जरूर ऑन करके रख लेना दोस्तों। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को
आप यहाँ पर मेंटेन करके रखना, बैटरी हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन करके रख लेना है। तो यहाँ पे बात करते हैं छठी फीचर की। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी में आना है। और नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर ऐप पिनिंग मिलता है, इसको ऑन कर लेना। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है और आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप क्या करेंगे, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता ना, तो डायल पैड को ओपन करेंगे, यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, पिन पर क्लिक करके यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करके देंगे। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। आप कोई भी एप्लीकेशन के साथ ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा ही नहीं है। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। मैंने फिलहाल यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कोई लॉक सेट नहीं किया, उसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ये बैक हो चुका है। आपने लॉक स्क्रीन पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक कुछ भी सेट करके रखा है तो वो डालना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अनलॉक करने से पहले यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में आ नहीं सकते। तो यहाँ पे बात करते हैं सातवें फीचर की। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आके आना नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे स्मार्ट मोशन में आपको आना है, यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉलिंग में आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप खाना खाते वक्त में आपको कॉल आता है तो बस आपको बस दूर से इतना करना है, कॉल रिसीव हो जाता है, आपको फोन को छूने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे और आपको स्मार्ट कॉल वगैरह मिलता है, जैसे कि आप कोई भी नंबर के डिटेल्स में रहकर कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल उसको चला जाता है। इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे स्मार्ट आंसर को तो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं आरटी फीचर की। एक स्टेप बैक आने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आपको आना है, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अगर आप लॉक करके रखना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन को तो होम स्क्रीन पर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करना है और डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। दूसरे यहाँ पे नाइन फीचर की बात करने के लिए, यहाँ पर जो नॉच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा था, आपको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब रीसाइज कर सकते हैं। इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये। आप यहाँ पर सिंगल कलर को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके यहाँ पे प्रीसेट पर जो कलर चाहते हैं आप उस कलर को करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। दूसरे यहाँ पे बात करते हैं दसवें फीचर की। तो आपको यहाँ पर डायनामिक आइलैंड भी मिलता है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायनामिक आइलैंड है एप्लीकेशन, इसको भी डाउनलोड कर लेना। डायनामिक आइलैंड आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगा, डायनामिक स्पॉट आप सर्च करेंगे तो भी आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिलेगा और वीवो के स्टोर पर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, वीवो के ऐप स्टोर पर भी। यहाँ पे इसको ओपन करना, ओपन करके सेलेक्ट ऐप्स पर क्लिक करके ऐसे आपको परमिशन देना कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इसको करेंगे परमिशन देंगे, नोटिफिकेशन में आके यहाँ से भी हम इसको परमिशन देंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से इसको भी परमिशन देंगे, अलो पर क्लिक करेंगे और डन। इसके बाद आपको यहाँ पे भी परमिशन देना है और चलिए यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आना है आपको नीचे, यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों डायनामिक स्पॉट, यहाँ से भी आपको इसको परमिशन देना है, सब तरफ से आपको परमिशन देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, बैक आना है और यहाँ पर बैक आना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके जो डायनामिक आइलैंड है इसके साइज को आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए अपने हिसाब से आप इसको बड़ा कर लेना, कर लिया। अब आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है, काफी कमाल का। तो ये था दोस्तों इसी Vivo Y28s 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने टॉप 10 फीचर्स बता दिया। आप इसी तरह के 60 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।